क्लास 12। तो जैसे कि हम आप लोगों को कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अलजेब्रा और कंटिन्यूस फंक्शन, यानी संतत फलन का अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। अलजेब्रा और कंटिन्यूस फंक्शन का थ्योरी है कि इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस, अगर f और g कोई भी दो वास्तविक फलन हो, अगर f और g कोई भी दो वास्तविक फलन हो, such that जो इस प्रकार का हो कि both are continuous at a real number c, जो दोनों जो हो वह c पर continuous हो, जो दोनों हो वह c पर कंटिन्यूस हो, देन तो पहला नंबर f प्लस g इज कंटिन्यूस एट x बराबर c, f माइनस g इज कंटिन्यूस एट x बराबर c, f इनटू g इज कंटिन्यूस एट x बराबर c, f बाय g इज कंटिन्यूस एट x बराबर c। मतलब ये सीधा सीधी बात है कि अगर मेरा फंक्शन f और g दोनों एक बिंदु C पर अगर कंटिन्यूस है, तो उसका जो सम होगा यानी f प्लस g सब्ट्रैक्शन f माइनस g मल्टीप्लीकेशन f इंटू g और डिवीजन f बाय g जो होगा वह भी C बिंदु पर कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड बशर्ते gc नॉट इक्वल जीरो, बशर्ते कि आपको डिवीजन में gc जो होनी चाहिए वह जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत कमाल का चीज है। अगर हमें दिया गया है कि f और g दोनों c बिंदु पर कंटिन्यूस है, तो आप कह सकते हैं कि f प्लस g भी c पर कंटिन्यूस होगा, f माइनस g भी c पर कंटिन्यूस होगा, f इंटू g और f बाय g वह भी c बिंदु पर कंटिन्यूस होगा। देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाए, जैसे कि हमें पहला नंबर हमें प्रूफ करना हो कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है, तो देखिएगा प्रूफ में कि गिव है, सबसे पहली बात हमें दिया गया है कि f एंड g आर कंटिन्यूस, यह दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x बराबर c। हमें दिया गया है कि f और g जो है वह c पर कंटिन्यूस है। अगर f और g c पर कंटिन्यूस है, तो फॉर्मूला के अनुसार लिमिट x टेंड्स c f x बराबर f c, एंड दूसरी बात कि लिमिट x टेंड्स c g x बराबर g c, ये हो गया कंटिन्यूटी के फॉर्मूला से, चूंकि आपका f और g दोनों c बिंदु पर कंटिन्यूस है। Now, अब जैसे कि हमें प्रूव डैट करना है कि लिमिट x टेंड्स c f प्लस g x, हमें इसे कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो ये देखिए कि लिमिट x टेंड्स c ये हो गया f x प्लस ये हो गया g x, f x प्लस g x, लिमिट x टेंड्स c f x प्लस लिमिट x टेंड्स c ये हो गया gx, दोनों मतलब लगा दिए। लिमिट x टेंड्स c fx के जगह पर आप fc लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स c gx के जगह पर आप gc लिख सकते हैं। यहां से c कॉमन ले लिया जाए तो f प्लस g c हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स c fx बराबर fc एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला पर फिट बैठता है। तो हेंस अतः f प्लस g इज कंटिन्यूस, यह फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x बराबर c, यह फंक्शन c बिंदु पर कंटिन्यूस है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप इसी प्रकार से अन्य जो तीन है यानी f माइनस g f इंटू g f बाय g, ये तीनों को आप सेम टू सेम प्रोसेस से प्रूव कर सकते हैं कि कंटिन्यूस है। अब देखिए हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने जा रहे हैं, लिखिएगा कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन
एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। मोडुलस फंक्शन जो होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर कंटिन्यूअस होता है, यानी कि मोड में अगर कोई फंक्शन है तो वह हर हाल में कंटिन्यूअस होता है। बड़ा कमाल का चीज है कि मोडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, मापांक फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, एट ऑल रियल नंबर यानी सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। अगर आप इसे प्रूफ में देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि लेट एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, मान लो कि भाई ये एफ एक्स बराबर मोड एक्स मोडुलस फंक्शन है। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं एक्स इफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लेस जीरो, मोडुलस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। हियर यहां पर एक्स बराबर जीरो इज ओनली वन डाउटफुल पॉइंट, यहां पर केवल एक तो संदेह वाली बिंदु है और वो कौन सा है, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो जो है वह डाउटफुल पॉइंट है। जैसे कि हम आपको पढ़ाए थे कि लिमिट एक्स टेंड्स जीरो माइनस एफ एक्स, मैंने वो जो फॉर्मूला पढ़ाए थे लिमिट का, तो लिमिट x टेंड्स 0 माइनस 0 से कम, यानी जब x का मान 0 से कम हो तो माइनस x दे दीजिए, यानी लिमिट x टेंड्स 0 माइनस, ये हो गया आपको x की जगह पर 0, तो यानी कि माइनस 0 डेट इज 0। अगेन माना पुनः लिमिट x टेंड्स 0 प्लस f x, मतलब राइट हैंड साइड वाला वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स 0 प्लस fx के जगहों पर लिख दीजिए x 0 से जब ज्यादा रहेगा तो x, यहां पर x के ऊपर 0 तो 0, एंड यहां पर fc c के जगह पर 0 यानी fx के जगह पर 0, जब x का मान 0 के बराबर हो तो 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं कि l L equal to R H L equal to F 0, मतलब left hand limit का मान, right hand limit का मान और F C का मान, ये तीनों बराबर है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि hence अतः F X is continuous, आपका यह function continuous है at all real number, यानी यह function सभी वास्तविक संख्या पर continuous है। तो आप सब दिन याद रखिएगा कि मोडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल रियल नंबर, यानी मोडुलस फंक्शन जो होता है वह सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। अब अगर मान के चलिए परीक्षा में हमें दे दे कि fx बराबर मोड 5x माइनस 2 और हमें पूछे कि यह कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है। अगर हमें दूसरा नंबर fx बराबर दे देगा कि मोड 3x माइनस 7, यह एक मोडुलस फंक्शन है तो यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो मोडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन।